मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कुछ मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मेरा खुद का नहीं है। मैंने बस किसी का पोस्ट था, उसको देखा है, लेकिन जो मैंने देखा है और सुना है मेरे दिल को छू गया। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में भी ये बात रखना चाहता हूं। एक इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है, खुद की जिंदगी जीता नहीं है, बस पैसा 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 कमाता है, जोड़ता है, कहता है कि परिवार के लिए जोड़ रहा हूँ, अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ रहा हूँ, दुख के वक्त के लिए जोड़ रहा हूँ, काम करता रहा, पैसा जोड़ता रहा, करोड़पति अरबपति बन गया। लेकिन एक दिन अचानक जब वो सो रहा था, किसी ने उसका कंबल उठाया और उसने अपनी आंख खोली तो देखा कि सामने यमराज खड़ा है। तो वो सेठ बोला, यमराज जी कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। यमराज जी उसको बोले कि भैया, मैं तो तुमको लेने आया हूं, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। तो अचानक बिस्तर से उछल कर बैठ गया। बोले, क्या बोले आप? बोले, मैं आपको लेने आया हूं, आपका वक्त खत्म हो गया है, आपको अब इस दुनिया से जाना है, आपका अंतिम समय आ गया है। तो सेठ घबरा गया, बोले कि यमराज जी, मेरे पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, करोड़ों रुपया है, मैं आपको 10 करोड़ रुपया देता हूं, मुझे एक दिन और जीने का वक्त चाहिए। यमराज ने बोला कि नहीं, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, चलिए, आपका जाने का वक्त हो गया है। वो सेठ बोला कि मैं आपको 20 करोड़ देता हूं, मुझे शाम तक जीने का वक्त दे दो। उसने बोला, क्यों अपना वक्त खराब कर रहे हो भैया, वक्त आ गया तुम्हारा। सेठ बोला, मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे 1 घंटा जीने की मोहलत दे दो। उसने बोला, नहीं। बोला, मेरा सारा धन दौलत सब कुछ ले लो, 1 घंटा। बोले, नहीं, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो तुम्हें जाना है। सेठ की आंखें गीली हो गई। बोले, ठीक है, मेरी आखिरी दरख्वास्त है कि मुझे एक खत लिखने का वक्त दे दो। यमराज थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला, ठीक है, जल्दी लिखो और चलो मेरे साथ। सेठ ने खत में लिखा, हे मेरे प्यारे दोस्तों, हम सारी जिंदगी धन दौलत की मारामारी में लगे रहते हैं, अच्छा वक्त जीते नहीं हैं, भूल जाते हैं कि हमें अपना कुछ वक्त परिवार को देना है, बहनों को देना है, दोस्तों को देना है, भाइयों को देना है। और जब आखिरी वक्त आता है तो जितनी भी दौलत है, जितना भी धन हमने पूरी जिंदगी में जमा किया है, वो धरी की धरी रह जाती है। लाख कोशिश करने के बाद भी, करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद भी, हम एक सांस खरीद नहीं सकते, वो दौलत धरी की धरी रह जाती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक जीवित हो, जियो, खुशी से जियो, अपनी जिंदगी जियो, परिवार के साथ वक्त निभाओ, दोस्तों के साथ अच्छे कर्म करो, सिर्फ धन दौलत माया के लोभ में मत पड़े रहो, क्योंकि कल हो ना हो, कल हो ना हो, कल हो ना हो।